नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं अपने पुराने फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, और इसमें जो है ना चार्जिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वीडियो सही से शूट नहीं हो पाती है। थोड़ी देर चार्ज रहती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें बैटरी का इश्यूज़ है, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रही थी। तो अब जो है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना मेकअप करने से पहले लेंस की, तो आज हम पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ आई लेंस। तो मेरे पास वैसे दो ऑप्शन है, एक ब्लू और एक ग्रीन। फिलहाल मैं ब्लू वाला लेंस यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आप लेंस यूज़ करें ना, इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है आपको, इनका पानी वगैरह बदलना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं लाइट ब्लू शेड में है मेरे पास लेंस, और ये लेंस ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। दो लेंस अभी रिसेंट में मैंने लिया था, कुछ दिन पहले शायद मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो चलिए फटाफट लेंस अप्लाई कर लेते हैं। लेंस अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा टेंशन लोग ले लेते हैं लेंस को लेके कि कैसे अप्लाई होगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है ना सुबह के 6 बजे से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जोरदार वाली बारिश हो रही है, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मेकअप लुक शेयर करूंगी, कल तो मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ पे इस तरीके से लेंस को लेना है, और इस वाले हिस्से को बिल्कुल ऊपर कर लेना है, और इस वाले हिस्से को नीचे करके जो आपका बीच का पोर्शन है ना, बस देखिए बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से लेंस अप्लाई हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लेंस लगाने में। चलिए अब दूसरा वाला भी अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा आंसू वगैरह आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट तो आँखों में जो है ना लगता ही लगता है, और ये पानी की वजह से होता है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत इनको इधर उधर करने से भी ना ये सही हो जाते हैं, अपने जगह पे आ जाते हैं ऐसे। परफेक्ट। लेंस लगाने से पहले मैंने पंखा बंद कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी वीडियोस के लिए मैं लेंस लगा रही हूँ तो मुझे चुभ रहा है, पता नहीं क्यों। अदरवाइज मैं पूरे पूरे दिन लेंस लगा के रखती थी, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी। आज पहली बार ये थोड़ा सा चुभ रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है थोड़ा सा डस्ट वगैरह लग जाता है। इनको क्लीन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इनकी क्लीनिंग का। ठीक है, और देखो मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से मेकअप करती हूँ किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से कम भी नहीं होता है। मैंने कोर्स करा हुआ है पूरा मेकअप का, लेकिन फिर भी मैं कभी वीडियो मेकअप का नहीं बनाती हूँ। पहले बनाती थी तो इक्का दुक्का लोग देख लेते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस्ट प्राइमर फलाना ढमकाना ये सब नहीं यूज़ करके बताऊंगी। मैं मेकअप जैसे करती हूँ, मेरा मेकअप हमेशा जो है अच्छा दिखता है, ग्लोई दिखता है, और सबसे अच्छी बात है मेरे मेकअप में कि क्रैक नहीं आता है। अगर आप लोग इस तरीके से मेकअप यूज़ करेंगे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि जो है ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं हमेशा ऑयल यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, तो आप ऑयल ना यूज करके कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो यूज करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, मेरा रेगुलर का यही है। और इससे क्या होता है कि मेकअप में शाइनिंग रहती है, और सेकंड बात है कि बहुत ही पूरे दिन मेरा मेकअप स्टे रहता है। तो
ना ही मेरे पास फाउंडेशन है, मैं सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ना ही मेरे पास प्राइमर है, क्योंकि मैं वो सब चीजें अपने फेस पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती, ना मैं अपने फेस पे कोई भी फालतू चीज अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत नुकसान होता है फेस पे, अगर मैं मतलब फेस के लिए तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ, और कि फालतू चीजें यूज करूँ, आज ये फाउंडेशन वीडियोस के लिए, कल वो फाउंडेशन, कल वो। तो इससे क्या होता है कि फेस पे ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दाने निकलने लगते हैं, या फिर मुझे जो है सूट नहीं करता है सारी चीजें। तो मैं जो यूज करती हूँ वो बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑयल यूज कर रही हूँ। आप लोग जो है कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जो यूज किया मैं वो आपको बता दिया है, ठीक है। सेकेंड मैं यूज करती हूँ ओलिविया का पेन स्टिक, मेरा शेड है 03, बहुत ही प्यारा शेड है। अगर आपका रंग थोड़ा सा फेयर मतलब डार्क टोन में है, तो आप 02 नंबर यूज करेंगे ना, उसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मतलब आपको एकदम से अच्छा सा लुक आपको वो दे देता है। जैसे मैं देख सकते हैं कि इससे ज्यादा गोरा फेस मेरा है, लोग बोलते हैं फिल्टर यूज करती फलाना, तो सब जगह फिल्टर यूज नहीं होता है, मैं ऑलरेडी गोरी हूँ। तो और इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा लॉजिक है गोरे होने का, और आज से कुछ साल पहले आप देखोगे मुझे तो मैं कितनी ज्यादा सांवली थी, और सांवले से गोरे होने का राज क्या है वो मैं आपको किसी स्टोरी के थ्रू बता दूंगी। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, और मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करा है फोटोथेरेपी वगैरह के थ्रू। तो फोटोथेरेपी में क्या होता है, एक मशीन होती है और उसमें कुछ सेकंड की सीटिंग होती है, जिसमें आपको डाला जाता है, वो भी विदाउट कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं रहना चाहिए उस मशीन के अंदर, आपको डाला जाएगा उसके अंदर। सूरज की किरणों का कुछ सिस्टम होता है, पता नहीं वो मुझे, तो उसमें डालते हैं। वो एक सिटिंग लेने के लिए ही आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके बहुत ज़्यादा चार्ज थे, मैंने कम से कम 6 मंथ के लिए थे फोटोथेरेपी, उसके 2 से 3 लाख रुपए जो है मेरे गए थे फोटोथेरेपी में। तो ये मैंने आपको राज बता दिया, और बहुत पुरानी फोटो वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर करी थी अपने दुकान की, तो शायद आपने देखा ही होगा उस रंग में और इस रंग में कितना ज़्यादा फर्क है। खैर इसमें ज़्यादा मेरे स्टोरेज नहीं है, मैं बातें नहीं करूँगी। तो मैंने ले लिया है 03 ओलिविया का पेन स्टिक, अब मैं आईज से अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। तो पहले बता दिया कि मैं प्रोफेशनल जो है नहीं शेयर कर रही हूँ, मैंने सीखा है लेकिन कहीं जाके काम नहीं किया है मेकअप का, या फिर कहीं जो है जॉब नहीं किया है मेकअप से रिलेटेड, तो बस खुद का करती हूँ, और कभी जरूरत पड़े किसी अपनों का या फिर किसी जान पहचान वालों का तब मैं कर देती हूँ। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, जब आपका स्किन जो है, फेस जो है ना, थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है इस क्रीम को अप्लाई करने के लिए, उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है, महंगे महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इतने सस्ते प्रोडक्ट से आपको मेकअप बता रही हूँ। तो फिलहाल मेकअप बता रही हूँ रक्षाबंधन के लिए, आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बार बोला है ओलिविया का जो स्टिक है ना वो बहुत ही बेस्ट है, बेटर अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन, फाउंडेशन से तो लाख गुना अच्छा है। और आज सबसे अच्छी बात है कि पूरा घर एकदम चिल्ड हो रखा है, तो मुझे पंखे की जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो पंखा चला के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा झंझट है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बोल के वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मैंने आईज वगैरह पे अप्लाई कर लिया है, लेंस स्टार्टिंग में लगाने में जो पहली बार लेंस अप्लाई करते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है लेंस को लेके, लेकिन मैं तो हमेशा यूज करती हूँ तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और मुझे हैबिट है लगाने के लेंस वगैरह। तो इसको अच्छे से पूरे फेस पे ना ब्लेंड कर लेना है, जहाँ मतलब पूरे अप्लाई कर लेना है। चलो मैं अप्लाई करके फिर आती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा।
तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैं जो है ये पोन्स का ये वाला पाउडर अप्लाई करूंगी और इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूंगी। पहले मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है अच्छे से, और अब मैं ब्रश से पूरा अप्लाई कर लूंगी इसको। इस तरीके से ब्रश से लेके बहुत आराम आराम से। इससे क्या है, जो आपने क्रीम अप्लाई किया है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और पूरे दिन स्टे रहेगा। और आपने कई बार मुझे देखा होगा कि मैं एक बार मेकअप करके जाती हूँ और पूरे दिन एज इट इज ही रहता है, बिल्कुल भी कैची पैची कुछ भी नहीं पड़ता है। इस तरीके से पूरा जो है सेट कर लूंगी हर जगह। गाइस पाउडर भी अच्छे से सेट हो चुका है और लेंस भी अच्छे से सेट हो चुका है। सिर्फ 2-3 मिनट लगता है। मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ एक बिंदी, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूंगी आई शेडो, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ, लाइट ब्राउन कलर। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से मेकअप लुक करना, और शादी पार्टी में तो जाना नहीं है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूं। फिलहाल राखी के लिए है तो फिर ये वाला ब्राउन कलर मैं यूज कर रही हूँ। ये वाला, ये पैलेट देख रहे हो मैंने कितना इसको घिस घिस के ना खत्म कर दिया है। तो बहुत आराम आराम से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है। 1 मिनट गए, एक मच्छर है बहुत परेशान कर रहा है मुझे। सन्नाटा हो गया है मैंने। तो आप चाहे काजल ब्लेंड करके स्मोकी आईज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा लगता है, लाइनर के साथ मेकअप नहीं कर रही हूं मैं। बहुत सिंपल सोवर मेकअप लुक, जो कि हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा खिल कर आता है। इस तरीके से मैं इसको पूरा ब्लेंड कर लिया मैंने ऊपर तक। और अब मैंने लिया है काजल, इसी से मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा मैं इसको छील लेती हूँ, इससे मेरे को दिक्कत हो रही है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मोटा करना है। इस तरीके से काजल लगा के आप इसको ब्लेंड कर लोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से एक स्मोकी आई मेकअप तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं स्मोकी आई मेकअप नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से काजल से ही लाइनर जो है लगाती हूँ मैं। और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको फिक्स भी करना है होता है, क्योंकि फिक्स अगर आप कर दोगे तो ये एज इट इज जहां का तहां रहेगा। नहीं तो अगर आप काजल को ऐसे ही छोड़ोगे ना, तो ये कुछ टाइम के बाद आपके ऊपर आंखों पे फैल जाएगा। तो आज मैं आपको अपना मैजिकल मेकअप शेयर कर रही हूँ, जो मेरा ट्रिक है सब वो सब मैं आपको बता रही हूँ। 11 बांटने से बढ़ता है, छुपाने से
घटता है। तो इस तरीके से मैं कम आईलाइनर यूज करना पसंद करती हूँ, और बरसात में आईलाइनर यूज करना जो है अच्छा भी नहीं होता है, बह जाता है, या फिर बारिश वारिश आई तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से आप कॉर्नर भी निकाल सकते हैं इसी काजल से। ये देखिए, और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो है मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, प्राइमर यूज़ नहीं करती, मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती, तो आप लोग भी ना यूज़ करें। आप लोग ओलिविया के पेन स्टिक की जगह फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मॉइस्चराइजर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे कहने पे नहीं। मैं तो जो यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग गालियां देने के लिए आ जाएंगे और यूं सोचेंगे कि मेरे पास है नहीं। ऐसा नहीं है, बट मुझे पसंद नहीं है फाउंडेशन वगैरह। तो इसलिए मैं यूज नहीं करती हूं। ठीक है, अब दोनों परफेक्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत आप हाथों से भी सही कर सकते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको लेना है एक ब्रश इस टाइप का, या फिर कैसा भी ऐसे ब्रश आप ले सकते हो। फिर कोई भी कलर आपके मतलब आई शेडो में जो भी कलर हो उसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू के साथ ब्लू कलर अप्लाई करके दिखाती हूँ। पिछली बार मैंने ग्रीन अप्लाई किया था, तो ये काजल बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ वही खरीद के रखती हूँ। आप देख सकते हो ये काजल बिल्कुल ब्लू हो चुका है। आप ब्लैक काजल को ब्लैक आई शेडो से भी फिक्स कर सकते हैं। देखिए, हो गया ना फिक्स। बहुत अच्छे से फिक्स कर लेना है आपको, ताकि ये दिखे ना काजल। अब आपका ये काजल जो है फैलेगा नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। मोस्टली लोग इतना ही मेकअप करते हैं, मेन आईलाइनर होता है, काजल होता है और लिपस्टिक होती है, और जो बेस, सबका बेस बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरा तरीका बेस बनाने का अलग है, तो बस यही थोड़ी सी चेंजेस है। जितना अच्छा बेस यूज करोगे उतना चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा इतना ही बेस्ट है मेरे लिए। तो फिर हम मस्करा अप्लाई कर लेंगे। मैं मार्स का मस्करा यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, और ये आपको 200 के अंदर आपको मिल जाएगा। पहले मैं 900 रुपए के मस्करा यूज करती थी, उससे मेरे आई लेसेस बहुत ज्यादा झड़ गए,
इतना महंगा। एक तो मैंने मस्करा यूज़ किया जाके मॉल से खरीद खरीद के लेकर आती थी, 900 रुपये का मस्करा मैं यूज़ करती थी। मैंने 900 से कोई भी नीचे मस्करा आज तक यूज़ ही नहीं किया। और देखो ये 200 रुपये का है, लेकिन बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं फेक लेस आई लेसेस नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं फिलहाल बस मस्करा के साथ आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता मेकअप करने का। बहुत सारे लोग तो लिपस्टिक बिंदी काजल लगा के ही चले जाते हैं, बट इतना मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो कितना फर्क आ गया ना 1 मिनट में, जो कि ये खत्म हो चुका है। मैं लेने भी गई थी, मुझे मिला नहीं। पार्लर में भी आपको क्या मेकअप कोई करके देगा, यही सब लगा देगा और ले लेगा 500 रुपये खट खट देना, झट देना। लोग ले लेते हैं 500 500 रुपये, 1000 1000 रुपये। एक बार मैं सिर्फ बाल बनवाने के लिए गई थी, 600 रुपये मांग लिया 1 मिनट में, फिर उसके बाद से कभी गई ही नहीं पार्लर। देखो दिख रहा है, चलो आज मेरे को कुछ बनाना है ब्रेड का, लग जाती हूँ बनाने में। पहले मेकअप शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने। ठीक है, इसी से मैं अपना आईब्रो भी सेट कर लेती हूँ। परफेक्ट। अब मैं यूज करूंगी लिप लाइनर। तो मैंने छीला नहीं है इसको, ऐसे लगा लिया है। अभी मेरे को ये जो कचरा है ना, इसको भी साफ करना है। पहले मैं खाना बना के आऊंगी, उसके बाद इस कचरे को साफ करूंगी। ठीक है, इतने से तो मेरा मेकअप परफेक्ट हो ही जाता है। ऑलराइट गाइस, अब बारी आती है ब्लश की, तो मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ तक अप्लाई करती हूँ, फोरहेड तक, ये वाला फोरहेड नहीं, बस यहाँ साइड साइड तक।
और आज बारिश बंद होने वाली बारिश नहीं हो रही है, जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। अगर आपको यही ब्लू शेड ना, आप काजल नीचे भी लगा सकते हैं, वाइट काजल लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप और भी एफर्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ जो कि ख़त्म हो चुका है मेरा। ये निशान दिख रहा है आपको, ये चोट का, यहाँ पे हड्डी निकल चुकी है मेरी, बहुत दिक्कत हो चुकी है नाक में। मेकअप में ज़्यादा तामझाम होता नहीं है। अब हम अप्लाई करेंगे कलर कोड की लिपस्टिक। मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है ये कलर कोड, और ये पूरे दिन स्टे रहता है। एक बार मैं बाहर लगा के जाती हूँ ना, पूरे दिन लगता है। अरे यार, ये तो रेड कलर आ गया, ऐसा लग रहा खून पी लिया मैंने किसी का। तो गाइज, डन हो गया मेकअप। मैं थोड़ी देर में हेयर स्टाइल और ड्रेस पहन के आती हूँ, फिर आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। मेन मेकअप जो है मेरा डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सिंपल, सोवर और इजी मेकअप लुक अगर आप करना चाहते हैं रक्षाबंधन के लिए, तो ट्राई कर सकते हैं। मैं जैसा मेकअप करती हूँ मैंने वो शेयर किया है। बाकी दुनियादारी का मुझे नहीं पता कि लोग मेकअप में कौन से प्राइमर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। मैं जानती सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपना जो जिस तरीके से मेकअप करती हूँ फिलहाल वो शेयर किया है। बिल्कुल एकदम स्टे मेकअप है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन एज इट इज रहने वाला है। और इस पे बारिश भी पड़ जाए, पानी भी पड़ जाए, तो भी इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसा वाटरप्रूफ मेकअप लुक है जो कि सस्ते प्रोडक्ट से हुआ है, कम प्रोडक्ट से हुआ है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राइमर, मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन, क्रीम, फेस पाउडर, ये सब कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। और कम प्रोडक्ट में, मुश्किल से दो तीन प्रोडक्ट में ही मैंने इतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी कलर आई शेडो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और आप अपना जो भी ड्रेस पहनना चाहते हो वो पहन सकते हैं। इसके बाद अगर आप ज्वेलरी वगैरह ऐड करोगे तो मेकअप ऑलरेडी परफेक्ट फुल हो ही जाएगा।
तो ये था मेरा आज का मेकअप लुक, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लुक फाइनल जो भी मैं ड्रेस पहनूंगी आपके साथ पूरा फोटो के साथ शेयर कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड फैमिली में अगर आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय। और तारीफ जरूर करना मेरे मेकअप की, ठीक है, बाय।